एक और महत्वपूर्ण चीज जो हम बार बार सुनते हैं वो होती है डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क। तो ये डिस्क है क्या भला? इसमें अगर आप देखें तो दो कशेरुका या दो वर्टिब्रास के बीच में एक ये वाइट सी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये होती है डिस्क। ये नेचुरली हमारे शरीर में शॉक एब्जॉर्बर या झटके सहने के लिए बनाई गई है, पर ये केवल हमारे शरीर में भ्रूण अवस्था में ही बनती है, उसके बाद नहीं बनती। इसका मेन फंक्शन या जो मुख्य काम है कि किसी भी तरह का झटका लगने पे इन दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से रोकना, ताकि ये हड्डियां घिसे ना। मगर उम्र के साथ साथ ये डिस्क भी कमजोर होती जाती है, डिहाइड्रेट होती जाती है। डिस्क में एक बाहरी मजबूत हिस्सा होता है और बीच में जेली लाइक द्रव होता है। तो अगर किसी भी वजह से ये बाहर का हिस्सा टूट जाए तो जो बीच में जेली लाइक फ्लूड है वो बाहर निकल के आता है और ये डिस्क इस तरह से बाहर आके इन नसों को दबा देती है। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ हड्डी है और दूसरी तरफ से डिस्क दबा रही है, तो ये नर्व बिल्कुल दब जाती है।